जनपद शामली में अवैध शराब तस्करों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर आरोपियों ने हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। दरअसल पूरा मामला कैराना कोतवाली क्षेत्र के गांव बीबीपुर हटिया का है, जहां पुलिस को अवैध शराब तस्करों की सूचना मिली थी। सूचना पर तस्करों को पकड़ने गई पुलिस पर आरोपियों ने दरोगा रामकुमार को घेरकर पिटाई करते हुए वर्दी फाड़ दी, जबकि मौके से एक सिपाही ने भागकर अपनी जान बचाई। वहीं दरोगा गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मामले की सूचना मिलते ही दो थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और घायल दरोगा को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया और फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। इस संबंध में एसपी विनीत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। शामली के कैराना थाना क्षेत्र के ग्राम डेरा संगतपुर में रात्रि गश्त के दौरान हल्का इंचार्ज को सूचना प्राप्त हुई थी अवैध शराब की। इस सूचना पे सब इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह तथा सब इंस्पेक्टर राजकुमार मौके पे पहुंचे तथा गांव के बाहर ही मोटरसाइकिल पे दो मोटरसाइकिल सवार लड़कों को उन्होंने रोका, जिनके पास कुछ अवैध शराब के पाउच उनको बरामद हुए। उनसे जब पूछताछ की गई तथा उनको थाने ले जाने लगे, इतने में ही उनके कुछ अन्य साथी गांव से ही 6-7 व्यक्ति बाहर आए तथा उन्होंने सब इंस्पेक्टर राजकुमार के साथ हाथापाई कर दी, जिसमें उनको मामूली चोटें आई हैं और सभी आरोपी मौके से भाग गए। सूचना पाते ही तत्काल SHO कैराना तथा CO कैराना फोर्स सहित मौके पर पहुंचे, उनके द्वारा दबिशें दी गईं। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। सब इंस्पेक्टर राजकुमार का मेडिकल कराया गया है, जिसमें सिंपल इंजरी आई है, वो वापस थाने पर आ गए हैं। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इन सभी आरोपियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और शीघ्र ही इसमें इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।